थर्ड ओपिनियन खातिन खुश इस प्रोग्राम में हम उसी गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं जो हमने अपने गुजशत प्रोग्राम में की थी जो इस वक्त एक बहुत ही बर्निंग किस्म का और बड़ा एक टची फीली किस्म का इशू है जो आ, फ्रांस में जो वाकयात हुए हैं और उस हवाले से हमने जो बात की थी कि ये जो हेटर्ड है और ये जो दुश्मनी है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कौन पैदा कर रहा है इसमें किसके मफादात हैं और इसमें रिलीजन कितना है पॉलिटिक्स कितनी है माशी मफादात कितने हैं इग्नोरेंस कितनी है तो इस हमारे प्रोग्राम के जवाब में हमें बहुत सारा फीडबैक मिला है और कुछ लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं और कुछ लोगों ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिनके नतीजे में हमें पता चला है कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त एक सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ मुस्लिम है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव करार दे के तो वेस्ट वर्सेस जो मुस्लिम इमिग्रेंट पापुलेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में उसमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का तसादम और एक तरह की नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है इसकी एक वजह ये भी है जो सबसे बड़ी वजह जो है वो इग्नोरेंट है ये इन सवाल से मुझे कैसे पता चला लेट मी टेल यू के एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मैंने देखा कि वो सवाल डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में बार बार उठाया जाता है और वह सवाल ये लोगों ने उठाया कि जी आप बात कर रहे हैं फ़्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन की और आप यूरोप को डिफ़ेंड कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो फिर आप हमें ये बताएं कि यूरोप में जो आलो के ख़िलाफ़ जो है कानून क्यों हैं और वहाँ पे जो है वो आलो से इनकार करना जो है इसको जुर्म करार दिया गया है और आप उसके ख़िलाफ़ बात करके देखें कि मैं इसको नहीं मानता तो आपको जेल में फेंक दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यूरोप में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कोई है नहीं अगर वो हो तो वो फिर सब पे अप्लाई हो और सिर्फ हम पे अप्लाई होती है तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो कि इंसान जो है वो कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसकी जस्टिफिकेशन उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये है कि उसके पीछे मोटिव्स क्या हैं और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि ये जिसको आप मुस्लिम वर्ड या इस्लामिक उम्मा या मुसलमान आल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं ये कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि ये एक डिफरेंट एक मलगूबा है एक मजमु है डिफरेंट किस्म की नेशनलिटीज़ का नेशनस का एथनिक ग्रुप्स का कलर्स का रेसिस का इलाकों का इसमें सिर्फ अगर कोई चीज़ का है तो वो ये है कि ये सब जो है वो कलमा पढ़ते हैं ला 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 महमद रसोल्ला और एक खदा को मानते हैं आदर दिन देट इनके दरमियान कोई कदर जो है ऐसी मुश्तरक नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये दुनिया के स्टेज पे कोई मुश्तरकस्म की लड़ाई जो है वह लड़ सकें तो ये लेकिन इस बात पे ये तसर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो है पूरी इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वेस्ट जो है वो किसी तरह की किसी कंस्पिरेसी में मसरूफ़ है और उसके जवाब में ये लोग जो हैं अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं तो उन्होंने ये सवाल उठाया जो मैं इससे इसकी इब्तदा करूँगा तो बात यह है कि ये एक एग्ज़ैम्पल है जिस पर हम कंटीन्यूसली इस फोरम पर बात करते रहे हैं के हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसगाइडेड हैं और उन वो मिसगाइडेड कोई भी शख़्स जो है ना वो मिसगैड बाई इट्स सेल्फ बाई डिफ़ाल्ट जो है मिसगाइडेड नहीं होता बल्कि उसको कुछ लोग होते हैं जो मिसगाइड करते हैं उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं कुछ ऑर्गनइजेशनस होती हैं कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं कहीं आपके पेरेंट्स हैं कहीं आपके टीचर्स हैं कहीं आपके जो रिलीजस या पॉलिटिकल लीडर्स हैं कहीं आपके जो है वो कोई इस तरह के पेशवा टाइप लोग हैं जो आपको एक आइडिया देते हैं किसी चीज़ के बारे में एक एंगल देते हैं और उसमें लोगों आम लोगों को जो है वो उस पर लगा देते हैं मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो फ्रांस वर्सेस या वेस्ट वर्सेस कहना चाहिए जो मुसलमानों के चंद ग्रोहों का जो कि ये दरमियान एक इस तरह का इशू चल रहा है इसके पीछे भी यही बात है कि इसके पीछे दो किस्म के ग्रुप हैं एक जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जिनको आप शदत पसंद किस्म के ग्रुप कहते हैं जिनका सारा दारामदार जो है वो इसी तरह के इशूज़ को फ्यूल आप करना उनको आवा देना इसके ज़रिए जो है वो नफ़रत पैदा करना और उसके बाद एक विक्टम बनकर जो है वो आम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनको कहना कि देखें जी दुनिया में हमें जो है वो ज़िंदा रहने की इजाजत नहीं है और दूसरा वो ग्रुप है जिसका मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था और वो ग्रुप है सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का उनको मैं एक तरीके से जो है वो सोल्जर विदाउट काज भी कहूँगा चूँकि आपने इस दफ़ा देखा होगा कि ये जो फ्रांस का रिएक्शन हुआ है इसमें कोई जो अरबिक कंट्रीज़ रवायती तौर पे और स्पेशली जो है वो सऊदी अरबिया वग़ैरह जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद के का ताल्लक़ि अरब कंट्रीज़ से है तो अरबों की उनके साथ ज़्यादा जज्बाती और रूहानी वबस्तगियाँ हैं उनकी ज़ुबान की वजह से और उनकी जो है वो इस इसेफ़िलशनस की वजह से लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बात में इतना इश्तल और उनके जज्बात में इस कदर जो है वो ईजान जो है वो पैदा नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो हुक्मरान तबकात हैं और जो लीडर्स हैं और जो उनके नाम नाद मजहबी पेशवा हैं उन्होंने इस ईजान को पैदा ही नहीं होने दिया ये एक समझने की बात है उसके मुकाबले में ये ईजान जो है ना ये कुछ ऐसे मुल्कों से निकल रही है जिनको अरबी जो है ना अजमी कहते हैं अपनी ज़बान में जब अरब आपस में बैठ के बात करते हैं तो वो इन मुल्कों को अजमी कहते हैं और इसमें तुर्की है पाकिस्तान है और मलाइशिया वगैरह है जिनके लीडर जो हैं वो मुख्तलिफ मफादात के लिए वो इस इशू को फ्यूल अप दे के तो आम आदमी जो बेचारा यूरोप में मजदूरी के लिए आया है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के या ले कर या जैसे भी हालत में है वो इन्त ही नागुफ्ता बे यूरोप में रहने के बावजूद जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक और इंटरनेशनल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के मुताबिक है उससे कम अज़ कम एक हज़ार गुना नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है ये अलग टॉपिक है इसकी तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें कई घंटे चाहिए कि ये जो जज्बाती किस्म के मुसलमान नौजवान हैं जो हमले करते हैं जो कत्ल वारत गरी पर उतर आते हैं या दूसरों के गले फाड़ते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो वहाँ पर क्या है वो किस तरीके से झूठ फ्रॉड और बेद्यंती करके तो पहली बात यह है कि यूरोप के अंदर जो है वो अपना लेते हैं दूसरी बात यह है कि यूरोप का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो ड्रास्टिकली अंडरमाइन करते हैं एक एक कमरे में दस दस लोग जो है वो मिलकर रहते हैं जिनका खाना पीना जिनका उठना बैठना और जिनका रहन सहन जो है वो जो इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कहीं हजार गुना नीचे है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि किसी तरीके से किसी काउंटिंग में नहीं आते इसलिए उसकी तरफ जो है वो किसी का ध्यान नहीं जाता तो वो लोग पहली बात यह है कि यूरोप में आके इस तरह की क्वेश्चनेबल किस्म की पोजीशन में रहते भी हैं और अपने आप को क्वेश्चनेबल किस्म की पोजीशन में डालते भी हैं लेकिन जब उनको पीछे बैठे हुए कुछ जो है वो अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स या अपॉर्चुनिस्ट रिलीजियस लीडर्स जो है उनको अपील करते हैं उनके जज्बात को अपील करते हैं तो वो अपनी इस हालत एजार का कोई लिहाज किए बग़ैर अपने मसाइल को एक तरफ़ रख के अपनी औलाद को या अपने पेरेंट्स को या अपने डिपेंडेंट्स को एक तरफ रख के तो वो बिला खौफ जो है वो कूद जाते हैं जैसे कि वो शेर भी है आतशिन अमरूद में ये देखे बगैर कि हम ये कर क्या रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा तो इसमें आर्गूमेंट वो ये देते हैं जनाब के हम जो है ये जैसा कि उन्होंने सवाल उठाया कि जी यूरोप में अगर आज़ादी है तो यहाँ पे आलोकाश जो है उसके इनकार पे सज़ा क्यों है जबकि उसके जवाब में असद मोहम्मद सल्लम्मातमन अभी का कोई कार्टून बनाता है या उनके किसी हवाले से कोई तस्वीर बनाता है या लिखता है तो उसकी सज़ा क्यों नहीं है यानी इस सवाल और इस कंपैरिजन को सामने रख के तो जो पढ़े लिखे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो बड़ी आसानी से देख देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है यानी जिन लोगों ने यह सवाल जो है उसको फॉर्मेट किया है या फ्रेज़ किया है जिस शक्ल में और जो वो पैगाम देना चाहते हैं यानी इन दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हालो जो यूरोप में हुआ है अगर उससे इनकार पर सज़ा है तो फिर मोहम्मद वसल्लम के कार्टून बनाने पर सज़ा क्यों नहीं है यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर उसमें है तो इसमें क्यों नहीं है और उसके पीछे जो है उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि चूंकि उसके पीछे जो ज्यूश कम्युनिटी है उनकी ताकत है उनका असर है तो इसलिए उनको ये मराहत दे दी गई उनको इस प्रिविलेज जो है वो हैसी हासिल है जबकि हमारी ये सिचुएशन नहीं है इसलिए हमें जो है वो विक्टमाइज़ किया जाता है एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि चूंकि वेस्ट हमारा है ही दुश्मन तो इसलिए इस दुश्मनी की बुनियाद पर हमारी जो एक जायज़ मांग है और जो जायज़ हैसीियत है उसको भी तस्लीम नहीं किया जाता तो अब मैंने एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और एक साफ़ दिली के साथ इस क्वेश्चन को उठाया है ताकि मैं इसकी दो चीज़ें जो हैं वो क्लियर करूँ एक तो जो ग्रेविटी ऑफ़ दी सिचुएशन यानी जो ग्रेविटी ऑफ़ मिस्टेक है और मिस अंडरस्टेंडिंग कि ये इन दो चीज़ों को किस तरीके से मिलाते हैं और दूसरा इससे ये पता चलता है कि जो लोग इस प्रोसेस के अंदर यूरोप में आके इस वक्त नफ़रत फैला रहे हैं उनकी जो इलमी सतह है उनकी जो हिस्ट्री की नॉलेज है उनकी जो शहूर है वो किस कदर जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसको किस कदर जो है वो बदलने की ज़रूरत है तो इस हवाले से मैंने इस पर जो है वो काफ़ी जो है एक मुख्तर सी बात मैं ये करूँगा ताकि इस सिचुएशन को मैं क्लियर करके तो आगे जाऊँ पहली बात यह है कि जो वेस्ट हम जिसको कहते हैं मैंने बारह जिक्र किया कि ये कोई दो चार मुल्कों जर्मनी या इंग्लैंड या फ्रांस का नाम नहीं है वेस्ट एक वसीवी जो है इलाका और एथनिक ग्रुप्स और रिलीजस और रेसिस के मजमू का नाम है और इसको आप ऑस्ट्रेलिया से लेके तो वेस्टर्न यूरोप से लेते हुए इवन लातिन अमेरिका और साउथ अमेरिका तक और नार्थ अमेरिका की कंट्रीज़ तक ये फैला हुआ एक सिलसिला है जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं लेकिन उनमें कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ मुश्तरक हैं बहुत सारी चीज़ों पे वो कामनली बिलीव करते हैं उनका लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं और वो बुनियादी तौर पे उनको आप वेस्टर्न ही कह सकते हैं तो अब ये जो मसला लोकास्ट का है इसका उन्होंने ये कहा जी कि वेस्ट में क्यों इसकी इजाजत है यानी इस पर अगर कोई इससे इनकार करता है तो उसको सज़ा है तो इस हवाले से मैं अर्ज़ ये करूँ कि बुनियादी तौर पर ये मगालता है पहली बात यह है कि वेस्ट की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं या जो हमारे इस्लामी मुल्कों में जिसको रियली वेस्ट कहा जाता है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को टॉप पे रखा जाता है या कैनेडा या जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड हो गया या आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह हो गए तो ये जो मुल्क हैं इनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप आलोकास से इनकार करें तो आपको इस जुर्म में सज़ा दी जाएगी ये जब शुरू शुरू में इस चीज़ पे ये कानून साजी शुरू हुई या इस हवाले से कुछ मुल्कों ने इस तरह की पॉलिसियाँ अडाप्ट करनी शुरू की तो जो कामन लॉ कंट्रीज़ थी उन्होंने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फार्मूले के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी कानून को हम नहीं मानते लिहाजा पहली बात यह है कि इस मगालते कोई जहन से निकाल देना चाहिए कि ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका ताल्लुक कामन ला से है मोस्ट ऑफ़ देम नॉट ऑल ऑफ़ देम उनके अंदर जो है वो इस तरह का कानून मौजूद नहीं अब जिन मुल्कों के अंदर ये कानून मौजूद है उनको भी आप डिफरेंट तरीके से तक क्लासीफाई कर सकते हैं मसन उसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया है तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जुजवी तौर पे यह कानून क्यों मौजूद रहा कि बुनियादी तौर पे जो आलोकास्ट था और आलोकास्ट का मतलब ये है कि तकरीबन उन्नीस से ले कर तक जो है जूश के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई उनकी कत्लो गारत गरी हुई उनका खून खराबा हुआ उनको कंसनट्रेशन कैंपों में डाला गया उनको लेबर कैंपों में डाला गया उनके खिलाफ डिस्क्रमिनीटोरी इकदाम किए गए मुख्तिक मुल्कों में उनको मुख्तु किस्म के वैश्यन तरीके से जो है वो मौत के घाट उतारा गया तो इस सारे सिलसिले को ये एक वाक्य नहीं बल्कि वाक्यात के इस मजमू को जो है आप आपकास्ट कह सकते हैं कोई भी बाजमीर इंसान जो है वो इसकी हकीक़त से इनकार नहीं करता क्योंकि उसकी हकीकत से इनकार की ना कोई नजरियाती वजह है और ना इसका दुनिया के अंदर जिस तरह की इस वक्त एक, एक पॉलिटिकल सोशल सेटअप है उस पर कोई किसी तरह का नेगेटिव या पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है चूँकि ये एक हिस्टोरिकल वाक्य है जो बहुत ही दर्दनाक वाक़ है और इसको जो है वो किसी तरीके से इससे डिनाई करने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से आप घुमा फिरा के तो ये जितने खौफनाक वाक़ हुए जिसमें छः मिलियन से ज़्यादा ज्यूश जो हैं उनको रिलीजन और रेस और कल्चर की बुनियाद पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया उनसे आप जो है वो ज़मानदारी से बचने के लिए या इस हकीकत से इनकार करने के लिए आप ये कह सकते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जिन कुतों ने उस वक्त ये काम किया था यानी ये इन ह्यूमन और बारबेरिक किस्म का एक्शन जो है वो अपने ही इंसानों की नस्ल के ख़िलाफ़ लिया था उनको ये जस्टिफिकेशन मिलती है और उसकी बुनियाद पे जो उस तरह के सोचने वाले आज लोग मौजूद हैं उनको इस तरह का एक्ट जो है उसको दोहराने की हिम्मत मिलती है या दोहराने की तरह मिलती है चनाचे जर्मनी और आस्ट्रिया के अंदर जब ये आ, काम हुआ तो उसकी वजह ये थी कि इन दो मुल्कों में ये हाईली कंसनट्रेट डाल दो के जितने यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिनमें उस वक्त जर्मनी ने कब्ज़ा किया था इंक्लूडिंग आस्ट्रिया या पोलैंड या इस तरह के मुल्कों में वहाँ सब पे जेनोसाइड हुआ और आलोकास जो है वो हुआ लेकिन इनमें हाईली कन्सनट्रेट था जहाँ पे कंसनट्रेशन कैंप थे या जहाँ पे उन्नीस के बाद उन्होंने कवानी बनाने शुरू किए हिटलर की क्यादत में जहाँ पे सबसे पहले जूश को जो है आइसोलेट किया गया उनके बिजनेसिस का बाईकाट किया गया और उनको आस्ता-आस्ता एक सिचुएशन में जो है वो ला के तो सबसे पहले आइसोलेट किया गया और फिर उनके ख़िलाफ़ इस तरह का जो है मिलिट्री और बार किस्म का एक्शन जो है वो लिया गया तो इन दो मुल्कों के अंदर चूंकि ये इतने किस्म का वाक़ था कि इसको जो है वो आइंदा रोकने के लिए और ये मेक श्योर sure करने के लिए कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में दोबारा हैपन नहीं हो सकती तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून जो हैं वो बनाने ज़रूरी थे जिसमें एक कानून ये भी था कि आप जो है वो आलोकत से इनकार करते हैं या फाशिज़म को एक अच्छी आइडियालोजी के तौर पे जो है वो प्रोपोगेट करते हैं या इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं तो ये जो है जुर्म तस्वर किया जाएगा जो कि कोई मामूली वाक़ा नहीं था इसके पीछे इसके पीछे ज़्यादा छः मिलियन लोगों की जो है वो मौत वाक़ थी लेकिन इसके साथ साथ मैं जो एक चीज़ अर्ज करूँ कि ये जो वाक़ था इसको कोई ये जो यूरोप में कानून बने इस तरीके के ये कोई मैज जर्मन या ऑस्ट्रिया वालों की अपनी जो है वो सिर्फ ख़्वाश नहीं थी बल्कि इसके लिए बायदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस हुई और इसमें जो लंदन कॉन्फ्रेंस है जो 1945 की बड़ी इम्पार्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें के, जिसको लंदन चार्टर भी कहा जाता है वहाँ पे बाकायदा जिन लोगों को नहीं पता है उनकी इतला के लिए अर्ज और इससे बड़ी एक जो है वो इम्पॉटेंट जो तारीख का गोशा है वो सामने आता है और क्लेरिफिकेशन होती है ये जो लोगों के जहन में जाला बना हुआ है तो उसमें चार मुल्कों ने शिरकत की थी उसमें जो है वो फ्रांस जो है वो यू एस एस आर और बरतानिया जो है वो शामिल थे और इन ममालिक में हर तरह का लोग अपनी अपनी इनकी जाहिर है ये चार ममालक उस वक्त जो है वो जंग के हवाले से बेशक एलाइस भी एक वक्त में रहे हूँ लेकिन इनकी पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस और इनकी अप्रोच टू एवरी सिंगल मैटर ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट था लेकिन इन्होंने वहां पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्या अचीव किया था इंपॉर्टेंट कि उस वक्त जब ये इतना इस वसी पैमाने पे जुल्म और तशद यूरोप में हुआ तो यूरोप में आम सोच ये पाई जाती थी कि जिन लोगों ने ये किया है उनको आप जो है एलिमिनेट करें विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस तो उसके खिलाफ ये जो लंदन जो अलाम था या लंडन जो चार्टर्ड है इसमें क्लियर किया गया कि इन लोगों को जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी और वो सज़ा जो है वो बायदा एक ट्रायल के ज़रिए दी जाएगी उसमें जजज़ होंगे जो जो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे और पूरे ड्यू प्रोसेस के बाद उनको जो है राइट टू डिफ़ेंड दैम सेल्फ लॉयर्स मुहैया करके फैसिलिटी टू डिफेंड जो है वो मुहैया करके तो फिर उनको सज़ा दी जाएगी जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त जब दुनिया जो है वो इतने जो है वो खौफनाक तजर्बे से गुजरी थी और उसके खिलाफ इस कदर गम गुस्सा और, और शदीद किस्म की जो है वो नफरत थी उसके बावजूद जो है वो सैनिटी ने प्रिवेल किया और उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए कि बेशक ये बहुत ही बारबेरिक किस्म का एक्ट हुआ है जेनोसाइड हुआ है लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम उनको इस तरह जो है वो बग़ैर ट्रायल के और बग़ैर ड्यू प्रोसेस के सज़ाएँ दें लिहाजा उनको बाकायदा अदालती प्रोसेस के अंदर ले जाना और उस तरीके से जस्टिफाइबल सज़ा देना ज़रूरी है तो उस लंडन चार्टर को सामने रख के तो उसमें जो डेफिनेशन यूज़ की गई और जो डेफिनेशन उसमें यूज की गई वो नोरमबर्ग की जो डेफिनेशन थी नोरम बर्ग ट्राइब्यूनल आपने सुना होगा बड़ा मशहूर इस रेफरेंस में एक ट्राइब्यूनल था जिसमें के ये केस चले थे तो उसके जो आर्टिकल वन में जो डेफिनेशन हुई थी तो इसमें बेसिकली तीन चीजों को डिफाइन किया गया था जो कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बन गई जिसको बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी तस्लीम किया पूरे यूरोप ने भी तस्लीम किया और सारे मुल्कों ने तस्लीम किया उसमें क्या था के वार क्राइम्स क्राइम अगेंस्ट पीस और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वार क्राइम्स तो जंग के दौरान होते हैं जाहिर है जैसे उस वक्त जंगें थी तो वार क्राइम्स उसमें होते हैं कि वार के दौरान आप लाशों की बेरुमती करते हैं या जो भी खिलाफ वर्जियाँ करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है ये वार के अलावा भी किसी वक्त भी हो सकता है कि कहीं भी एक पीसफुल कंट्री के अंदर कोई एक ग्रुप जो है या गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री जो है वो इस तरह का कोई प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी पे वो हो तो जो लंडन चार्टर था उसमें लफ्स यही इस्तेमाल किया गया कि ये जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी बाद में जिसको मुख्तु मुल्कों ने अडाप्ट किया अब ये सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं फ्रांस से चूँकि फ्रांस को जो है इस वक्त इन्होंने निशाना बनाया और ये कह रहे हैं कि फ्रांस में आलो के ख़िलाफ़ कानून है लेकिन हमारे खिलाफ़ नहीं है जो कि बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल इनकरेक्ट बात है कि फ्रांस के अंदर आलो के ख़िलाफ़ कोई ये कानून है कि आप आलो के से इनकार करें तो आपको सज़ा मिलेगी पहली बात यह है कि फ्रांस में ये तेरह जुलाई उन्नीस में जो कानून जो है में तरमीम हुई चूंकि ये यूरोप की सारी कंट्रीज़ में ये कौन राइट फ्राम नाइनटीन फोटी फाइव बनने शुरू हो गए थे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी और जो आलोकास्ट के हवाले से तो इनमें कई मुल्कों में उसमें बार बार तब्दीलियाँ और ये होती रही तो फ्रांस के अंदर जो है उन्नीस सौ नब्बे में जो है इसमें तब्दीली की गई तो उसमें जो तेरह जुलाई को उन्होंने कानून पार्लियामेंट में पास किया उसमें क्या था कि उन्होंने बेस किया उसको लंदन चार्टर पे लिहाजा एतराज़ की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है जैसे कि मैंने ऐसा किया कि लंदन चार्टर ही बाद में जाके तो यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल प्रिवेंशन जो है अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी और जेनोसाइड उसी में उसी को तस्लीम किया गया तो वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइन थी जिसको फ्रांस ने एक्सेप्ट किया और फ्रांस ने उसी बुनियाद पर रेफरेंस भी दिया अपने इस ला में जो तेरह जुलाई उन्नीस का लॉ है कि लंडन चार्टर की रोशनी में जो कोई भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी होगा कि किसी के ख़िलाफ़ जो है वो रेस कलर या मजहब की बुनियाद पे नफरत फैलाना या उसके ख़िलाफ़ तशादत को उबारना जो है वो क्राइम है तो इसमें जो है वो आलोकास्ट की बात जो है वो रहती नहीं दूसरा जो बड़ा मुल्क इस पर बहुत ज़्यादा है फोर फ्रंट पर रहा है जो पहले भी मैंने अज किया था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी वगैरह में चूँकि एक बड़ा इशू था तो हंगरी का जो कानून है उसके अंदर उन्होंने तरमीम कर दी करने के बाद आज जो हंगरी का कानून है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी के किसी के ख़िलाफ़ भी मजहब नस्ल या एथनिक बुनियाद पे क्राइम जो है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी है और इसकी ये ये सज़ा है इसमें हुआ कोई मुसलमान है यहूदी है इसमें आलोकास्ट का कोई जिक्र आंगरी के ला में मौजूद नहीं है आप आंगरी का जो पेनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको उठा के देख लें ये बिल्कुल नहीं है और ये बुनियादी तौर पर जो है वो मैंने कहा कि ये एक इग्नोरेंस की बुनियाद पे और मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे ये बातें जो हैं वो फैला के तो आम जो जज्बाती किस्म का मुसलमान नौजवान है जो फ़्रांस में कोई मजदूरी करता है बेचारा उसके जज्बात को उबार के तो उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है उसके बाद इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो यूनान है तो यूनान में जो कानून था वो भी उसी तरह उन्नीस के बाद उसकी मुख्त शक्लें बनती गई लेकिन दो में जो है उन्होंने कानून में तरमीम की जिसमें कि ये वायद यूरोपियन मुल्क था जिसमें उन्होंने ये लिखा इसके के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिटी के उन्होंने लिखा कि आलोकास से इनकार को जुर्म करार दिया यानी जो कोई आलोकास कहता है कि आलोकास नहीं है उसके खिलाफ जो है आ, वो ये जुर्म है लेकिन इसमें अब ये देखें ना ये एक बात मैंने कह दी तो अब एकदम कुछ लोगों के कान खड़े हो गए कि देखें जी मैंने तस्लीम कर लिया लेकिन इसको पूरे पैराग्राफ को और पूरे कानून को पढ़ना ज़रूरी है कि यूनान ने इस कानून को लिखे के आलोकाश से इनकार इस बुनियाद पे करे जिसका मकसद जो है वो किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना या किसी को तशाद पर उबारना है यानी जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई आदमी ये कहे कि जी ये जूस जो हैं इनका कोई कत्लेम वगैरह नहीं हुआ है तो ये जो है वो इस तरह के लोग हैं कि इनका कत्ल जायज़ है या इन पर हमले करो या इन से करो चूँकि ये झूठ बोलते हैं तो ये जो बात है ये आपको भी कहीं सुनाई दी होगी कि जो रेसिस्ट किस्म के एंटाइसैमेटिक जो कुछ ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आलो का इनकार जो है विद दी पर्पस ऑफ जो है वो इंस्टिगेटिंग हेटर्ड और टार्चर और ये जो वायलेंस जो है इसको बढ़ाने के लिए किया जाए लेकिन इसमें मैं आपको बात बता दूं कि यही वेस्ट की जो निज़ाम है उसकी खूबसूरती है कि चलो उन्होंने ये कानून तो पास कर दिया हालांकि इस कानून को भी उस वक्त के जो ख़ुद यूनानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और यूरोपियन उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और ये फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक हमला साबित हो सकता है या उस पर एक रिस्ट्रिक्शन बन सकती है तो इसलिए उसको लेकिन उन्होंने फिर भी इसको पास कर लिया लेकिन इस कानून की रू से एब लेट मी टेल यू वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या फ़र्क है हम में और यूरोपियन कंट्रीज़ में कि एक बड़ा फ़र्क यह है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और अदालतें आज़ाद हैं चनाचे यूनानियों ने यह कानून तो बना दिया 2014 में इसमें तरमीम करके लेकिन इसके लिए जो पहला केस लेके वो गए कोर्ट में जो एक जो जर्मन हिस्टोरियन था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने केस ये बिल्डअप किया कि उसने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें उसने जो है आलोकात से इनकार किया है और ये उसने जो कुछ किया है बदहनती से किया है लिहाजा उसको ये ये सज़ा दी जाए उसके ख़िलाफ़ उसकी अदम मौजूदगी में जो है उसकी एबसेंस में केस चला लेकिन जो यूनानी कोर्ट था अदालत थी उसने उसके हक में फ़ैसला देते हुए लिखा कि आल दो कि ये जो जर्मन हिस्टोरियन है इसके ए, बुक्स में या इसकी जो जो नैरेटिव है उसमें कुछ फ्लास ढूंढे जा सकते हैं कोई चीज़ें इनकर हो सकती हैं डिस्क्रिपेंसीज़ हो सकती हैं लेकिन उनमें से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वो काम उसने इस मकसद के लिए किया कि इसको बुनियाद बना के तो यूरोपियन लोग जो हैं वो ज्योश लोगों पर हमला कर दें उन पर तशादत करें या उनके ख़िलाफ़ नफ़रत करें यह चूँकि सबत नहीं होता लिहाजा उसको इस इल्ज़ाम से बारी किया जाता है अब इसमें मेरा कहने का मतलब क्या था कि एक तरफ अगर पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसी तरीके से इस तरह की कोई हरकत करें भी तो दूसरी तरफ पैरल जो है वो कोर्ट्स बैठे हुए जो कि जस्टिस डिलीवर करते हैं और कोर्ट्स ने जस्टिस डिलीवर कर दिया दैट वाज़ द फर्स्ट एंड लास्ट केस जो ग्रीक इस मॉडर्न डेज में जो कि हलोकास्ट के हवाले हलो से ऊपर आया और कोर्ट्स ने उसको जो है वो डिसमिस कर दिया तो इससे क्या है कि इससे अगर कोई इस तरह का कानून कहीं मौजूद भी अब जाहिर है कि अब वहाँ जो उनकी किताब में आलोक से डिनाइल का अगर कोई क्लास मौजूद भी है तो प्रैक्टिकली कोर्ट्स जो हैं उन्होंने उसको इ या बेअसर करके जो है वो रख दिया तो अब जो है इस पर मैं आगे जो है जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा इसको सम अप करूँ कि जो आप ये दलील देते हैं आपका जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है या वार मोंगर है या हेट मोंगर है और वो आपको दर्स ये देता है कि यूरोप जो है हिपोक्रेसी कर रहा है उसने उधर आलो के ख़िलाफ़ क़ानून बनाए हुए हैं इधर जो है वो जब बात आती है हजरत मोहम्मद महमद्लम की नामूस की ख़ातमन नबीन की तो वो इस पर जो है वो कह देते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो ये बात दुरुस्त नहीं है चूँकि वो पहली बात यह है कि इतनी कानूनी बारिकियाँ जो वेस्टर्न लाज की हैं वो समझते नहीं दूसरा वो इस बात से भी तस्लीम करने में उनको प्रॉब्लम है कि यूरोप के अंदर एक जो है वो प्रोटेक्शन कोर्ट्स की तरफ से मौजूद है जो कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो है वो रिलायबल है और इंडिपेंडेंट है और वो किसी को भी इंसाफ डिलीवर करने की पोजीशन में है एज़ कंपेयर टू आस तो इसलिए वहाँ पे ऐसे कानून जो हैं उसके नतीजे में लोगों को जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता जो पहला जो ट्रायल इस हवाले से हुआ था नोरमबर्ग ट्रायल जिसको आप कहते हैं बहुत मशहूर जो मिलिट्री ट्रायल जहाँ पे ये जेनोसाइड और आलोकास्ट के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी गई उसके बाद आप पूरे यूरोप की हिस्ट्री में एक एक केस उठा के देखें कि कितने लोग थे जिनको इस बुनियाद पर सज़ा दी गई हो कि उन्होंने आलोकास्ट से इनकार किया मैं इसकी बात नहीं कर रहा जिसकी मैंने पहले वजाद कर दी कि आप जो है वो किसी को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उबारें जिसका मतलब ये है कि रिलीजन या रेस या जो है एथनिक ग्रुप की बुनियाद पे किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना जैसे कि आज कल आम यूरोप में हो रहा है कि कुछ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो लोगों को उबारते हैं जो है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ के ये जो है हमारे मुल्क पे कब्ज़ा करने आ गए हैं या हमारा रोज़गार छीनने आ गए हैं या हमारा मौसम चुराने आ गए हैं या हमारी दौलत चुराने आ गए हैं तो इनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा की जाए तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी इसमें तो लोगों को सजाएं हुई इसमें लोगों के ख़िलाफ़ मकदम कायम हुए जो कि बरी हो गए लेकिन ऐसी मिसाल आपको जो है वो पूरे यूरोप की ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इनमें अगर आप घूम के देखें उनका रैकड खंगाल के देखें तो उसको उसमें नज़र नहीं आएगा लिहाजा अब मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि जो हालो कास्ट है उससे इनकार और उससे इनकार करने को काबिल सज़ा जुर्म करार देने का जो पस मंज़र है उसके पीछे जो ट्राइबूनल्स हैं उसके पीछे जो आर्टिकल्स हैं उसके पीछे जो चार्टर्स हैं और उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है उसका बहुत बुनियादी मकसद ये है कि भाई मज़ब या कलर स्किन कलर या रेस की बुनियाद पे किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश और इस तरह का मंसूबा बनाना कि उनके ख़िलाफ़ सोसाइटी में नफ़रत पैदा हो और उनके कतलेआम की दावत दी जाए या कतलेआम पर लोगों को उभारा जाए ये गलत है और ऐसे कामों को रोकने के लिए इस तरह के कवानीन बनाना ज़रूरी है जिसमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई तस्व्र नहीं है वो एक तारीखी हकीकत है जिससे इनकार से लोगों को रोका गया ताकि उन लोगों को डिस्करेज किया जाए जिन्होंने इस तरह की एक इूमन किस्म का हिस्टोरिकल इवेंट जो है उसमें हिस्सा लिया है और इस तरह के इन इवेंट्स को और री आकर कर के लिए या दोबारा जो है सर ए नो इनके रूनमा होने से रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाए अब इसको जो लोग इन चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि हज़रत महम्मदली ख़ातिमाबी इनका कार्टून किसी ने बना दिया या उनकी बेजती कर रही तो लेट मी क्लियर इट अगेन कि मैं इस पर दोबारा क्लियर करता हूँ कि ये हक किसी को नहीं पहुँचता ए महज़ इसलिए नहीं कि हजरत मोहम्मद को मुसलमान अपना नबी मानते हैं बल्कि इसका फ़लसफ़ा ये है कि किसी भी काम में कोई आदमी जो है जिसके हज़ारों सैकड़ों हज़ारों जो है फॉलोवर्स हैं उनके साथ उनकी जज्बाती वस्तगी है उसके साथ उनका कोई इस तरह का इमोशनल अटैचमेंट है तो उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात करना जिससे उनके जज्बात मजरूह हों तो उसमें जो है वो कोई एडवाइसेबल बात नहीं है और इससे इजतनाब इस किया जाना चाहिए लेकिन ये चीज़ें होती हैं दो तरफ़ा लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो यूरोप आप जिसको कहते हैं यहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी के अंदर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना जो है मुकद्दस नबी मानते हैं खुदा का बेटा मानते हैं यसू मसीह लेकिन जहाँ तक उन पर तनकीद करने का सवाल है या उनके किसी हवाले से ऐसी बात कहने का सवाल है जिससे किसी तरह की तजलील का या बेमती का पहलू निकलता हो तो उसके हवाले से वेस्ट के अंदर एक मजबूत किस्म की ट्रेडिशन मौजूद है कि इस पर वो एतराज़ नहीं करते इसकी जो है वो हज़ारों मसाले मौजूद हैं और आपने देखा होगा मस लास्ट टम्पेशन ऑफ क्राइस्ट आपने देखी होगी मूवी एक बड़ी मशहूर मूवी है और हमारे यहाँ इसलिए भी मशहूर है कि उसमें नुसरत फतेह अली ख़ान ने जो है वो म्यूज़िक दी थी तो उस मूवी में आप देखें कि उन्होंने यसु मसीह को नौज बिल्ला जो है वो लास्ट टम्पेशन ऑफ क्राइस्ट में जो है उनको उन ये शो किया था कि वीमोसेक्शुअल टेंडेंसीज़ जो हैं वो थी इस तरह का एक इशारा जो है उन्होंने दिया था जिसको मुख्य लोगों ने मुख्तलिप अब इससे बड़ा आप किसी भी बरगजिदा हस्ती पे या जिसको लोग नबी मानते हैं इतने करोड़ों की तादाद में यूरोप में और वेस्ट में जो क्रिश्चियनिटी है चर्चिज़ हैं तो वो फ़िल्म चलती रही आज तक चलती है ना उसको किसी ने बैन करने का मतालबा किया ना किसी थिएटर पे किसी ने हमला किया ना किसी ने ये कहा कि जी ये हमारे लिए प्रॉब्लम है चूँकि वेस्ट में एक चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको जो बात आपको पसंद नहीं है उस बात का जवाब आप उस बात से दें जो आपको पसंद है कि मसन कोई अगर ये सजेस्ट करता है हजरत ईसा इस्लाम के बारे में या हज़रत मोहम्मद व्ल् ख़ातिमाबीन के बारे में कोई कार्टून बनाता है या कोई ऐसा लफ्स कहता है या कोई ऐसा नैरेटिव देता है या कोई ऐसी रिवायत बयान करता है जो आपको पसंद नहीं है तो उसका जवाब भी उसी तरीके से उसी रवायत और उसी तरीके से दिया जाना चाहिए कोई फिल्म बनाता है तो उसके ख्याल फिल्म बनाई जाए कोई कार्टून बनाता है तो उसका जवाब कार्टून बना के दिया जाए कोई आर्टिकल लिखता है तो आर्टिकल लिखा जाए ये बिल्कुल एक क्लियर कॉन्सेप्ट है वेस्ट के अंदर तो मैंने कहा कि जब वो अपने नबी और अपने जो है बरगजीदा हस्ती को और यसु मसीह को एक यूरोप की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है दे लव हिम और उनकी भी इमोशनल जो है वो अटैचमेंट है लेकिन ऑन द काउंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो इस पे जो है उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की तो इस हवाले से अगर हम जो है वो वहाँ से आके तो यूरोप को एक सबक सिखाना चाहते हैं या उनको जो है वो अपनी लाठी से आंकना चाहते हैं तो फिर हमें उनकी तरफ से भी देखना चाहिए ना कि उनके जो असूल हैं जो इस सोसाइटी पे सदियों से चल रहे हैं और जो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं वेस्ट की जिसमें फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन का जो सवाल है जिसपे हमारे प्राइम मिनिस्टर कनेडियन ने भी कहा है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर में और इस पर लोग बड़ी बगलें झांक रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि दुनिया की किसी सोसाइटी में और इंक्लूडिंग कनेडियन सोसाइटी में अगर आप कनेडियन चार्टर ऑफ राइट एंड जो है पढ़ें कनेडियन चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम जो यहाँ का बेसिक डॉक्यूमेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो हमें राइट ऑफ जो है एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें देता है तो उसमें भी यही लिखा हुआ है और बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इसमें जो ट्रूडू साहब ने बात की है वो कोई नई बात नहीं है उसमें उसमें यही लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है जो हर आदमी को हासिल है सब्जेक्ट टू दी रीजनेबलिशन रीजनेबल so एक ऐसा लफ्स है जिसपे के एक फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जस्टिफाइबल हो, दंडा दिखा के नहीं या ये कह के नहीं कि चूंकि मैं कहता हूँ इसलिए दुरुस्त है जिस तरह के पाकिस्तान में या तुर्की में जो है वो दिखाया जा रहा है कि तुर्की में आप देखें अब हजारों की तादाद में लोग जो है वो जेलों में हैं द बार्स हैं बिकॉज वर स्पीकिंग द ट्रूथ्स और बिकॉज वर राइटिंग द ट्रूथ्स और उसमें कोई किसी की बलासफफहमी या हज़ूर वसल्लम की तोहिन का पहलू नहीं था बल्कि उसमें वो हुकूमत पर तनकीद करते थे और यही बात जो है इस वक्त आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही है कि जहाँ हज्ब अख्तिलाफ़ जो है अगर हज्ब इकतदार पर तनकीद कर रही है तो उनको गद्दार मुल्क दुश्मन और इंडियन एजेंट करार दे के विक्टमाइज करने की कोशिश की जाती है तो ये क्या है ये जो सिलसिला है ये बदमाशी है इसमें फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन को कोई रीज़नेबल लिमिट्स के अंदर नहीं रखा जाता मैं ख़ुद इसका हामी हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सब्जेक्ट टू रीज़नेबल लिमिटेशन और रीज़नेबल लिमिटेशन की डेफ़िनेशन ये है कि इनको एक फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जस्टिफाई किया जा सके कि भाई ये वजह है कि हम इस पे जो है वो लगाते हैं ये नहीं कि आपकी जज्बाती की क्या है और आपका जो है वो पीछे कौन है जो आपकी जज्बात को उबार रहा है अनिली और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके तो आपसे ऐसा काम काम करा रहा है जो वो खुद नहीं कर सकता तो इस हवाले से मैं ये बात जो है इस पर यह डायलाग में जारी रखूँगा इसमें मेरी सिर्फ इतमास जो उन लोगों से है जो वस्त्र के अंदर रहते हैं ख़ुआ वो लीगल हैं इलीगल हैं, हैं सिकर हैं रेफ्यूजी हैं सिटीज़न हैं विज़िटर हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि वो इस कल्चर में इसलिए आए हैं कि इस कल्चर की कोई अच्छाई है देर इज़ सम इन इट्स ठीक है ना वो जो अपने मुल्क छोड़ के जहाँ से होके तो उनको इस तरह के एडवेंचर पर मजबूर किया जाता है वो भूख नांग वो बेरोज़गारी और वह ज़िल्त की जिंदगी जो है ज़िलत की जिंदगी में रिपीट करूँगा वो छोड़ के जो लोग भागे हैं कश्तियों में डूब के और क्या क्या अजाब उठा के जो है वो पहुँचे हैं तो उनको थोड़ा सा ये रिकार्ड भी करना चाहिए कि ये डाइलाग अगर आपको किसी चीज़ पर एतराज़ भी है तो ये डायलाग की सोसाइटीज़ हैं इसमें कम्युनिकेशन ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है और इसमें जो बात आपको नापसंद है उस बात का जवाब आप उस बात से दें जो आपको पसंद है तो इसी पर मैं आज की ये गुफ्तु ख़त्म करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन